लेबनान के शहर बैरूत में हुआ अमोनियम नाइट्रेट का धमाका काफ़ी जिंदगियों को लील गया, पर ये हुआ कैसे इसके बारे में जब हमारे सूत्रों ने जानकारी दी तो पता लगा कुछ वर्ष पहले अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ एक जहाज़ लेबनान पोर्ट बैरूत पोर्ट पर आया और वहाँ पर करप्शन मनी ना देने के कारण उसको जब्त कर लिया गया। बहुत कोशिश की, समझाने की, लीगल कार्रवाई की गई, पर बैरूत की जो उस समय मौके की सरकार थी वो नहीं मानी। उन्होंने उसको करप्शन मनी के अंडर जब्त कर लिया और जहाज़ की कोर्ट कार्रवाई चलती रही और सारा सामान जो था एक गोडाउन में शिफ्ट कर दिया गया। और कल कुछ अननोन कारणों से उसमें आग लगी और आग लगी तो उसका धुआं दूर तक दिखाई पड़ रहा था, किलोमीटर से दिखाई पड़ रहा है जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन वो धुआं आग का नहीं था, वो बर्बादी का धुआं था जिसको बैरूत के लोग देख नहीं पाए, करप्शन देख नहीं पाए, और जब तक समझ पाते तब तक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी तबाही पूरे शहर को नील गई। ऐसे लगा जैसे वर्ल्ड वार 3 हो गई है, उसका ट्रेलर दिख रहा है, और वर्ल्ड वार 3 में जो अभी हुई नहीं है उसकी तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। बहुत समझाने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि असल में हुआ क्या है। देखिए ये हुआ है, पहले धुआं उठ रहा है, धुआं उठने के बाद लगातार 1-2-5 मिनट तक धुआं उठता रहा और टन्स ऑफ वीडियो हमारे पास पहुंचे हैं अलग अलग सोर्सेज से, सभी सूत्रों से, जिनमें से कुछ वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बम फटा है, अब फटा है तो सबको दिख रहा है। मेट्रो न्यूज़।